हेलो, वेरी गुड इवनिंग भाई। कैसे चल रही है अब तो तैयारी? आपने काफी कुछ कर दिया होगा, रिवाइज वगैरह भी है, और दो वीडियो आपने हमारे देख लिए होंगे। काफी सारे क्वेश्चंस हैं उनमें जो कि आपको मिलेंगे आपके एग्जाम में 14 तारीख से है? तो आज हम लोग जो लेके आए आपका मिडेवल हिस्ट्री का जो है आपका तीसरा वीडियो है ये, और इसमें देखेंगे हम लोग पहला क्वेश्चन कि दुनिया का सबसे बड़ा गोल गुंबज कहाँ पर स्थित है। तो दुनिया का जो सबसे बड़ा गोल गुंबज है यह है आपके बीजापुर, बीजापुर कर्नाटका में, ठीक। और इसका निर्माण करवाया मोहम्मद मोहम्मद आदिल शाह, मोहम्मद आदिल शाह, ठीक। इसमें एक ऑप्शन है आपका दमिश्क या डेमस्कस, डेमस्कस, डेमस्कस। तो ये जो डेमस्कस है क्या है आपके सीरिया की कैपिटल है, सीरिया। और ये जो दमिश्क है ये दुनिया की क्या है, ये दुनिया की सबसे सबसे पुरानी राजधानी है, ये सबसे पुरानी राजधानी है डेमस्कस। तो ये किसकी कैपिटल है आपके सीरिया की। तो ये कई बार पेपर में आ जाता है आपके। इस्तांबुल आपको पता ही होगा, इस्तांबुल कहां पर है, ये तुर्की में, ठीक। इस्तांबुल है आपके तुर्की में, और इसका पुराना नाम था कुस्तुनतुनिया, कुस्तुनतुनिया, कुस्तुन तुनिया, कुस्तुन तुनिया, या इंग्लिश में हो गया कॉन्स टेंटिनोपल, कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक। तो यह आपके इस्तांबुल का शहर है, और इसी इस्तांबुल शहर के कारण जो है इसे आपके क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है, यूरोप ने एशिया का, एशिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एशिया का प्रवेश द्वार, राइट। तो इस्तांबुल के कारण जो है तुर्की को क्या कहा जाता है, गेटवे ऑफ एशिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर टू है दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी, व्हाट वाज द कोर्ट लैंग्वेज ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत की जो दरबारी भाषा थी वो थी आपके पारसी। तो दिल्ली सल्तनत कब से लेके कब तक था, ये 1206 से लेके 1526 ईस्वी, ठीक। 1206 से लेके 1526 ईस्वी। तो इसमें जो है आपके कितने वंश हुए, पांच वंश या फाइव डायनेस्टीज। तो पहला जो था आपका वो कौन सा था, गुलाम, गुलाम वंश, या जिसे कहा जाता था इंग्लिश में स्लेव डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी, या इसे कहा जाता था दास वंश, या इसे कहा जाता था ममलुक वंश, ठीक। ये था आपके 1206 से लेके 1290, ये पहला वंश था। सेकंड जो वंश था इसका वो था खिलजी वंश, खिलजी, खिलजी कब से था, 1290 से लेके 1320 ईस्वी, ठीक। फिर आया तीसरा तुगलक, तो तुगलक कब से लेके कब तक था आपके, 1320 से लेके 1414, फिर आया आपके पांचवा चौथा, ये था आपके क्या बोलते हैं सैयद वंश, सैयद वंश,
चौदह चौदह से लेके 1451, और जो पांचवा वंश था आपका ये था आपके लोदी। तो लोदी हो गया आपके 1451 से लेके 1526 ईस्वी। ठीक, तो ये आप इस तरह से दिल्ली सल्तनत जो था ये पांच वंशों का वो था, ये पीरियड था ये 1206 से लेके आपके क्या कहते हैं 1526। तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था आपके? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश का था आपके कौन? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी। तुगलक का था आपके गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक। इसका था आपके खिजर खां। खिजर खां। और लोदी वंश का था आपके बहलोल लोदी। बहलोल लोदी। तो ये कई बार आपके मैचिंग वगैरह में आ सकता है इस तरह का क्वेश्चन कि आपको वंशों का जो है वो पीरियड दे गया और उनका जो शासन काल या पीरियड है उसको मैच करवाना, या कई बार ऐसा भी आ सकता है कि भाई संस्थापक दे दिए और उनको आपको मैच करवाना है। अगला क्वेश्चन है तराइन का, तराइन का जो बैटल है वो कब लड़े गए थे? तो तराइन का फर्स्ट और सेकंड बैटल थे 1191 एंड 1192 में। मोहम्मद गौरी एंड पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में, राइट। तो इनमें जो फर्स्ट वाला था, फर्स्ट बैटल में पृथ्वीराज चौहान तृतीय क्या है, विनर रहा इसमें। और जो सेकंड बैटल था ये वाला 1192 वाला, इसमें कौन रहा? मोहम्मद गौरी। इसमें मोहम्मद गौरी जो है आपके विजयी रहा, तो ये भी आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है अलाई गेट किस विश्व धरोहर स्थल में स्थित है? तो जो अलाई दरवाजा है यह है कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में, कुतुब मीनार प्रांगण में, कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में। और इसका निर्माण करवाया था आपके 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण करवाया था। इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कराया गया। एक क्वेश्चन कई बार आ सकता है कि ये जो अलाई दरवाजा जो गेट है ये कौन सी मस्जिद का प्रवेश द्वार है। तो ये जो अलाई गेट है आपका कौन सी मस्जिद का प्रवेश द्वार है? कुवातुल इस्लाम का सदन गेट है ये, दक्षिणी गेट है ये। अगला क्वेश्चन है वह सुल्तान जिसने स्वयं को दूसरा सिकंदर या सानिय सिकंदर डिक्लेयर किया था? तो ये था आपके अलाउद्दीन खिलजी जिसे भारतीय सिकंदर या अलेक्जेंडर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इसका शासन काल था 1296 से लेके 1316 ईस्वी। ठीक, 1316 ईस्वी। और ये जो अलाउद्दीन खिलजी था ये अपने किसके लिए जाना जाता था? स्ट्रिक्ट मार्केट कंट्रोल पॉलिसी, सख्त या कठोर बाजार नियंत्रण नीति के लिए जाना जाता था। तो एक क्वेश्चन कई बार आता है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक था
जो अपनी सख्त या बाजार कठोर बाजार नीति के लिए जाना जाता था, तो ये था आपके अलाउद्दीन खिलजी। कई बार क्वेश्चन आता है कि ये जो इसकी बाजार नीति है ये कौन सी पुस्तक में है, इसका वर्णन, इसका पुस्तक वर्णन है कौन सी पुस्तक में, तारीखे फिरोज शाही, तारीखे फिरोज शाही। और ये जो बुक है किसने लिखी है आपके, जियाउद्दीन बरनी, जियाउद्दीन बरनी के द्वारा ये बुक लिखी गई है। कई बार एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि इन विच बुक द स्ट्रिक्ट मार्केट कंट्रोल पॉलिसी ऑफ अलाउद्दीन खिलजी मेंशन, तो दैट इज मेंशन इन आपके तारीखे फिरोज शाही, जो कि जियाउद्दीन बरनी के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट है, औरंगजेब कौन से वंश का शासक था, तो ये आपको पता ही होगा, मुगल वंश का प्रमुख शासक था ये, मुगल डायनेस्टी का, जिसको किस नाम से जाना जाता था, ये कई बार आता है, जिंदा पीर, जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था, जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। और किसका बेटा था ये, साझा का पुत्र था ये। अगला क्वेश्चन है, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक तक समय तक शासन किया दिल्ली सल्तनत में, तो ये मैंने अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया होगा, तुगलक वंश, तुगलक वंश कब से लेके कब तक था आपके, 1320 से लेके 1414 ईस्वी, ठीक। संस्थापक मैंने आपको बता दिया था अभी प्रीवियस क्वेश्चन में, गियासुद्दीन तुगलक। अगला क्वेश्चन है, अकबर के शासन में सेना प्रमुख क्या कहलाता था, बहुत बार आता है, मीर बख्शी, क्या कहा जाता था इसे, मीर बख्शी। तो जो आर्मी जनरल होता था अकबर हो चाहे आपका, ये ध्यान रखें, दिल्ली सल्तनत है, इन दोनों में आपके क्या कहते हैं, जो आर्मी चीफ है सेना प्रमुख है उसको मीर बख्शी के नाम से जाना जाता था, राइट। अगला, सल्तनत की आधिकारिक भाषा क्या थी दिल्ली सल्तनत के, वही पारसी, पारसी। जहां तक मुगलों की बात है, क्वेश्चन आ जाए कि भाई मुगलों की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी, ऑफिशियल लैंग्वेज, तो मुगलों की भी यही थी आपके, मुगलों की भी यही थी, लेकिन बाबर के समय में, सिर्फ बाबर के समय में क्या थी आपके, तुर्की। तो अदरवाइज बाबर के अलावा जो अन्य शासक थे, ओवरऑल हम कहें कि अगर मुगलों की कोर्ट लैंग्वेज क्या थी या ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी, तो ये आपके वही आएगी, फारसी या पर्शियन। नेक्स्ट है, विच इज मीन बाय ए पीर, तो पीर का मतलब होता है जो सूफी संतों का, सूफी संतों का गुरु होता है, ये वाला सूफी संतों का गुरु, ठीक। नेक्स्ट है, खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किस वर्ष की थी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 1699 ईस्वी में, 1699 में, जबकि सिख धर्म की स्थापना कब हुई, 1469 में गुरु नानक के द्वारा, तो ये भी आप ध्यान रखें, सिख धर्म की स्थापना हुई 1469, जबकि खालसा पंथ की स्थापना हुई 10वें और अंतिम गुरु कौन थे, ये गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने कब की, 1699 में की, राइट। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश ने कहां पे शिक्षा का केंद्र स्थापित किया, तो एक जगह थी अजीमाबाद, अजीमाबाद कहां पे, ये नाउडेज इट इज इन अजीमाबाद जो है पटना में। तो ये थे भाई हमारे क्वेश्चन, आई होप आप ज्यादा से ज्यादा इन क्वेश्चंस को वॉच करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।